Hello, I'm Aftab from English with Aftab. Today I came up with another short lesson related to imperative sentences, and that is the usage of always in imperative sentences. जी हाँ viewers, आज मैं एक नए topic के साथ आया हूँ और उसका अनुवाद है always या हमेशा. उर्दू के वो तमाम सेंटेंसेस जो हमेशा से शुरू होते हैं, यानी जिनका पहला वर्ड हमेशा होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमेशा वक्त की पाबंदी करो, हमेशा सोच समझ कर बोलो, हमेशा दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करो. इस तरह के जितने सेंटेंसेस होते हैं, इंग्लिश में इनका बनाने का पैटर्न होता है ऑलवेज प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एक्सटेंशन. यहाँ मैंने कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं, तो आइए इनको पढ़ना सीखते हैं. इस तरह के तमाम सेंटेंसेस जो ऑलवेज से शुरू होते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं, टीचर अपने स्टूडेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बड़े अपने छोटों के लिए इस्तेमाल करते हैं. इनका मकसद होता है उन्हें नसीहत करना या उनको किसी स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ तरगीब देना, गॉट इट, या उन्हें ट्रेन करना. तो आइए इन सेंटेंसेस को पढ़ना सीखते हैं. Let's get started. Always speak the truth. हमेशा सच बोलो. Always speak the truth. Second है, Always come on time. हमेशा वक्त पर आओ. Always come on time. अच्छा, next है, Always respect elders. हमेशा बड़ों का एहतराम करो. Always respect elders. Always sleep on time. हमेशा वक्त पे सोया करो. Always sleep on time. Always avoid bad company. हमेशा बुरी सोबत से बचो. Always avoid bad company. Always obey your teachers. हमेशा अपनी असातिज़ा का कहना मानो. Always obey your teachers. अच्छा, next है, Always be punctual. हमेशा वक्त की पाबंदी करो. Always be punctual. Always listen to your elders. हमेशा अपने बड़ों की बात सुना करो. Always listen to your elders. Always listen to your heart. हमेशा अपनी दिल की बात सुनो. Always listen to your heart. Always follow the traffic rules or always obey the traffic rules. हमेशा ट्रैफिक की कानून पर अमल करो. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. अगर वीडियो से रिलेटेड आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिए. मुझे खुशी होगी आपके सवालों के जवाब देकर. थैंक यू.